फैल व्यक्ति हूं। मेरी मार्कशीट आप देख सकते हो, कभी मैं दसवीं फेल हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, मन ही नहीं लगता था। बुद्धि बहुत मोटी, बहुत ठस बुद्धि थी। मैं तुम्हें एक बड़ी बूढ़ों की सेवा का चमत्कार बताना जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन इन बड़े बूढ़ों की सेवा में बहुत लगता था। मेरे खुद के बाबा थे, मैं उन्हें साइकिल पे बैठा करके और जहां वो कहते थे वहां ले जाता था। साइकिल पे बैठा करके वो कहते थे मां सत्संग में चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले वहां चलना है, मंदिर पे चलना है, मैंने चलो बाबा। बोले मां कथा है ये फलानी जगह, मैं चलो बाबा। तो मैं और मेरे बाबा साइकिल पे बैठ के कथा सुनने जाते थे। जाते थे वो, मुझे फ्री में मिल जाती थी क्योंकि मैं ड्राइवर बन जाता था, और उनके बहाने से मुझे साइकिल चलाने को मिल जाती थी। बचपन में बच्चे को बाजुमाने में साइकिल का बड़ा शौक रहता था। अब तो बालकन साइकिल भी स्वादित हो रही है, बने मोटरसाइकिल नहीं फोर व्हीलर चाहिए। बालकन तो मोटरसाइकिल मिल जाए तो समझ लो परमात्मा, मिले को अवका जरूरत है परमात्मा की है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी न तो बुद्धि है, न मेरी पढ़ाई है, न मेरी कोई तपस्या है, न मेरी कोई साधना है। मेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक बार, कई बार मैंने बताया भी है, मैं साइकिल सीख रहा था। तो हुआ क्या, मैं साइकिल सीख घर से चुरा के ले जाता था, और जब सीख रहा था तो मुझे एक पेड़ के नीचे और एक बूढ़ी मैया मैंने देखी और वो हाँप रही। मैंने जैसे देखा तो मैंने साइकिल ठाड़ी करी, मैंने की पांव छिए, मैंने की अम्मा राम राम। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने का मुझे बड़ा शौक था, और वो आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये मेरा स्वयं का दावा है। आशीर्वाद कभी बड़े बूढ़ों का व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पांव छिए और वहां ने दोनों हाथ में सिर पर रख दे, बेटा तू कहां से आएगा, कुए लाला। मैंने अपना परिचय दे में फलाने नगरा को फलाने को छोड़ा हूं। अच्छा, मैंने कहा अम्मा यहाँ कहीं बैठी आप? बोली मेरी सांस फूल रही है और मैं बाजार जा रही। माँ का उन्हें बताइए कैंप लगे हुए डॉक्टर न को और दवा देते हुए, मैं छोरा तुम दिखावत ना, और छोरने पे पैसों की कमी नहीं। दुख की बात बता रहा हूँ, छोरन पे न पैसन की कमी न ताकत की कमी, तीन छोरा और नाती और डोकरी मरासू। मैंने कहा अम्मा चलो मैं दिखा लाऊं तुम्हें। मैंने बैठो, मैंने साइकिल पे बिठाई और उन्हें ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ दवाई तो फ्री दी और कुछ लिख दी, और उसने मुझसे कहा कि लो इनको दे देना, वो समझ लो जय को नाती है। बोले अपनी दादी को ये दे देना। मैंने कहा ठीक है। अब पैसा तो मुँह पे नहीं है और डोकरी पे पैसा नहीं है। फिर वहाँ एक व्यक्ति थे मेरे संपर्क में, जिन्होंने ये कह रखा था कभी किसी दिन दुखी के लिए जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। उनका नाम था वर्मा जी, मेरी जन्मभूमि के थे वर्मा जी। एक मेरी जन्मभूमि का बालक बैठा है, वो जानता है। अभी आया तो मेरे कान में बोला मैं आपकी गांव का हूँ। मैंने कहा अच्छा भैया। तो वो मैं गवाह के लिए आपको कह रहा हूँ, हमारी पूरे क्षेत्र में वर्मा जी का नाम प्रसिद्ध था परोपकार में, और भगवान की कृपा से मैं उनके संपर्क में था। तो वर्मा जी को आप जानते होंगे, है ना? तो वर्मा जी जो है ना मेरे संपर्क में थे। मैं तुरंत गया, मैंने कि बाबा ऐसे ऐसे एक बुढ़िया है, दुखी है, सांस की बीमारी है, दवाई की जरूरत है। बोले बता। तो कछु बिन ने पैसा दे दे और कछु मेरे में परे। तो मैंने दवाई ला के अम्मा को दे दी। अब मैंने कहा कि सात दिना की दवाई मैं समझा दी, खवाया आयो घर कर आयो। और मैंने कह दिया सात दिन बाद मैं खुद आऊंगा और यहीं से ले जाऊंगा और यहीं छोड़ दूंगा। मैंने ये क्रम जो है कुछ दिन तक निभाया। अब वो अपने बेटों को भूल गई, अपने नातियों को भूल गई। जब भी उसका कोई जरूरत पड़े तो बस यूं कहती वो फलाने के छोरा बुला दियो भैया, हैं मेरे बाप का नाम जानती थी, फलाने के छोरा बुला दियो। बस मैं ये सेवा करने लगा, इतना आनंद, इतना सुकून कि मुझे लगता है वो सुकून न किसी रसगुल्ले में था, न रबड़ी में था, न किसी पकवान में नहीं था, पर ये सुकून किसी किसी को अनुभव होता है। और मेरे को वो सिलसिला चला कुछ दिन। एक दिन क्या हुआ,
एक बुलावा आया मुझे, मैं खेल रहा था। उसने जो है एक आदमी को भेजा कि फलाने के छोरा बुला लाओ। तो वो आदमी जो है मुझे बुलाने आया कि ऐसे ऐसे फलानी डोगरी तुम्हें बुला रही है। तो मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाई और सीधे जो है पहुँचो खाट पे डोकरी परी। मैंने पाँव में माथा रख करके प्रणाम किया, मैंने कि अम्मा राम राम। सुई बाकी आंखें मेरे आई, आंसू जो है टपकने लगे। मैंने कि परेशानी अरे लेके चलना है क्या? बोले ना, अब तो लेने वाला कोई और आ गया है, बस तेरी सेवा पूरी हुई। पर मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं तुझे चलते समय देखना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक बात कही, किस धरती पर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जन्म दिया जाता है और वो सेवा नहीं करते, और ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता और वो सेवा कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने दोनों हाथ अपने मेरे माथे पर रखे और बोली, तैने मेरी सेवा करी, मेरा आशीर्वाद है, मैं अब जा रही हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तू जहां जाएगा। और वो टोकरी लुढ़क गई। आखिरी वचन था उसका, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो फौज की भर्ती देखता था कि कौने का सिपाही भाई बन जाऊंगा तो जीवन कट जाओ, पढ़ाई लिखाई बुद्धि नहीं चलती थी। लेकिन जब उसका आशीर्वाद मिला, ऐसे संयोग बने, और आप सब लोग जानते हैं कि उसका आशीर्वाद ऐसा संग रहता है कि मैंने मनोना के बेहड़ में कथा करी, जहाँ दूर दूर तक गाँव नहीं, वहां भी भीड़ का पार नहीं था। मुझे जहां चैलेंज किया गया कि यहां सोते ज्यादा आदमी कब ना आए, मैंने कि आप चिंता मत करो, पांडाल लगाओ, मुझे अपना कोई बल नहीं है, मैं जानता ही नहीं। तुम्हें मेरी वाणी इतनी प्यारी लगती है, और सच बताऊं मुझे संगीत की ABCD नहीं आती, मुझे सरगम बिल्कुल नहीं आती, मुझे ABCD नहीं आती, लेकिन किसी का आशीर्वाद जब संग रहता है ना, तो सारी विद्याएं फिर प्रकट होने लगती हैं, सारी दुनिया का प्यार मिलने लगता है। तो मेरा कहना है इन सब उन औलादों से कि दुनिया की बड़े बूढ़े ने की सेवा न कर सको, तो कम से कम जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पाला, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, कम से कम विनयी को आशीर्वाद ले ले हो। और ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता, ये मैं व्यास पीठ से आपसे कह रहा हूं, ये आशीर्वाद हमेशा काम आता है।